डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू किया था और उसमें हमने माउथ से लेके ईसोफेगस तक पढ़ा था। आज हम स्टमक के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि ईसोफेगस से फूड पास आउट होके स्टमक में पहुंचता है। अब आज जो हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में स्टमक, और हम ये भी पढ़ेंगे कि एंटी पेरिस्टल्सिस क्या है। हालांकि पेरिस्टल्सिस मैंने आपको पहले पढ़ाया था, वो ईसोफेगस के अंदर किस तरह से हो रही थी। पेरिस्टल्सिस मूवमेंट सिर्फ ईसोफेगस में नहीं बल्कि पूरे गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में परफॉर्म होती है। अब हमने देखा कि बोलस कार्डियक स्फिंक्टर के जरिए स्टमक में आते हैं और स्टमक में जमा होते हैं, फिर यहाँ पे इसके अंदर डाइजेशन होती है। और आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि स्टमक की स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस क्या है। सबसे पहले तो आप देखें कि स्टमक हमारा जो है, हमारे जो डायफ्रेम है उसके नीचे लेफ्ट साइड जो है कैविटी के, एब्डोमिनल कैविटी के, उसमें मौजूद है। और स्टमक हमारा एक ऐसा ऑर्गन है जिसका एक काम स्टोरेज का भी है और दूसरा डाइजेशन का है। अब हम देखते हैं कि स्टमक के अंदर जो स्टमक के पार्ट्स हैं, हमने जो पार्ट्स बनाए हैं, डिवाइड किए स्टमक को, पहला इसका ईसोफेगस के बाद जो हिस्सा होता है उसको हम नाम देते हैं कार्डियक स्टमक, और दूसरा जो इसका मेन पार्ट स्टमक का उसको हम नाम देते हैं फंडस, और ये स्टमक का मेन पार्ट है। और लास्ट जो टर्मिनेटिंग पार्ट है वो थोड़ा नैरो है और उसको हम नाम देते हैं पाइलोरस स्टमक। अब पाइलोरस स्टमक से आगे जब फूड स्टमक से थ्रू जीआईटी पेरिस्टल्सिस के जरिए आगे जाएगा तो वो पहला स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट आएगा जिसे हम ड्यूडिनम का नाम, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम स्टमक को। स्टमक में जो कार्डियक स्टमक है वो म्यूकस सीक्रेट करता है और स्टमक के जो मेन पार्ट फंडस है उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के सेल्स जो सीक्रेशन प्रोड्यूस करते हैं उस सीक्रेशन को कलेक्टिवली हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। अब यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर तीन किस्म के सेल्स होते हैं। एक ऐसे होते हैं म्यूकस सीक्रेट करने वाले जिनको आप म्यूकस सीक्रेटिंग सेल्स कहते हैं, और दूसरे जाइनोजिन सेल्स होते हैं। इन सेल्स का काम है डाइजेस्टिव एंजाइम है पेप्सिनोजिन, उसको सीक्रेट करते हैं। और तीसरे किस्म के सेल्स जो आते हैं वो है ऑक्सेंटिक सेल्स, और ये डाइल्यूट फॉर्म में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट करते हैं। अब कलेक्टिवली जो गैस्ट्रिक जूस है उसमें म्यूकस भी है और पेप्सिनोजिन, हालांकि पेप्सिनोजिन जो सीक्रेट होता है वो इनएक्टिव एंजाइम होता है, लेकिन जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होती है तो ये अपने एक्टिव फॉर्म में आ जाता है जिसका नाम पेप्सिन के बाद पेप्सिनोजिन के बाद पेप्सिन रखा जाता है। अब पेप्सिन जो एंजाइम है वो ये जाइनोजिन जो सेल्स है पेप्सिनोजिन सीक्रेट करते हैं वो पेप्सिन में तब्दील हो जाता है, क्योंकि ऑक्सेंटिक सेल्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो प्रोड्यूस करते हैं उसकी वजह से ये एक्टिव फॉर्म में आ जाता है। और इस तरह से जो पेप्सिन है जो हम अपने फूड के अंदर जो प्रोटीन्स लेते हैं उन प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स को ये जो है पॉलीपेप्टाइड्स चेन्स में तब्दील करने में मदद है। इसका मतलब है प्रोटीन की डाइजेशन जो है वो स्टमक में से शुरू होती है, लेकिन यहाँ कंप्लीट डाइजेशन नहीं है, प्रोटीन्स के पॉलीपेप्टाइड्स बनते हैं लेकिन अमाइनो एसिड्स अभी नहीं बने हैं, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म जो प्रोटीन की है वो अमाइनो एसिड्स की है। जैसे मैंने ओरल कैविटी में बताया था
कि जो अमाइलेज है वो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है, यानी कि कम बिल्कुल ग्लूकोज की फॉर्म में अभी नहीं है, क्योंकि सॉल्युबल फॉर्म तो ग्लूकोज है। इस तरह से वो प्लस पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन यहाँ पे जो है स्टमक के अंदर एक ऐसी शक्ल अख्तियार करते हैं जैसे कोई क्रीमी पेस्ट होती है, उस तरीके से ये नजर आता है। और उस क्रीमी पेस्ट को हम टेक्निकल टर्म जो देते हैं वो देते हैं काइन। ये और ये काइन एसिडिक होती है, इसलिए कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से जो गैस्ट्रिक जूस है उसकी जो पीएच है वो 1.5 से लेके ज्यादा 2.5, यानी स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम है जहां पे ये प्रोटीन्स पार्शियली डाइजेस्ट होते हैं। तो इस तरह के हमने गैस्ट्रिक ग्लैंड्स फंडस रीजन में पढ़े, उनके इंडिविजुअल टाइप्स ऑफ सेल्स तो क्या सीक्रेट करते हैं वो बड़ा। अब जो नैरो पार्ट है पाइलोरी सिस्टम है वो सीक्रेट करते हैं म्यूकस। अब म्यूकस वहां भी सीक्रेट हो रही है यहाँ भी, और इसमें म्यूकस सीक्रेट मतलब ज्यादा ज्यादा म्यूकस सीक्रेट हो रही है। ये म्यूकस जो लुब्रिकेशन है ये स्टमक की जो इनर लाइनिंग होती है उसको जो पेप्सिन एंजाइम का अपना एक डाइजेस्टिव रोल है ये प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर सकता है, इसलिए ये स्टमक की वाल को भी डैमेज कर सकता है। इसलिए इन स्टमक की जो इनर लाइनिंग है स्टमक वाल की उनको पेप्सिन के डाइजेस्टिव एक्शन से प्रोटेक्शन देने के लिए इस म्यूकस का रोल बनता है। अब इस जो स्टमक कंटेनर मौजूद है वो पाइलोरिक वाल के जरिए जो है ड्यूडेनम में जाता है। इसका मतलब है पाइलोरिक स्फिंक्टर जो वाल है बिटवीन द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडेनम एंड द पार्ट ऑफ स्टमक द लास्ट टर्मिनेटिंग पार्ट ऑफ स्टमक पाइलोरिक, उनके बीच में यही कंट्रोल करता है कि ये एसिडिक काइन जो है स्लोली स्लोली ड्यूडेनम की तरफ जाती है। लेकिन ये तो थे स्टमक के फंक्शन। तो स्टमक के मैं क्या कहें, स्टमक की अगर हम थोड़ा वाल को देखें तो स्टमक के जो अंदर मसल्स होते हैं वो मसल्स आप देखें कि तीन किस्म के मसल्स हैं। एक मसल्स ऐसे हैं जो लॉन्गिट्यूडिनल होते हैं और दूसरे मसल्स जो है जो लेयर है वो एक मसल्स है लॉन्गिट्यूडिनल और दूसरे मसल्स जो है वो है सर्कुलर और तीसरे मसल्स का लेयर जो बनता है इसमें वो बनता है ट्रांसवर्स। मतलब इसका मतलब है कि इसकी जो इनर लाइनिंग है स्टमक की जो इनर लेयर्स है वो तीन लेयर्स है, एक में मसल्स जो है वो ट्रांसवर्स होते हैं और दूसरे मसल्स सर्कुलर टाइप के होते हैं और एक बाहर से लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होते हैं। ये तीन सेट ऑफ मसल्स के जो है स्टमक के इनर लाइनिंग में हमने देखे कि मौजूद होते हैं। सबसे बाहर जो होते हैं लॉन्गिट्यूडिनल, फिर सर्कुलर और फिर जो है ट्रांसवर्स होते हैं। अच्छा, जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रही थी सिर्फ ईसोफेगस में नहीं बल्कि मैंने कहा पूरे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में होती है। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टमक है उसके अंदर भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है क्योंकि मसल्स की कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन यहाँ पे भी होती है। इसकी वजह से एक फायदा होता है कि ये जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्टमक के अंदर परफॉर्म की जाती है ये मैकेनिकल डाइजेशन में भी मदद देती है। तो लिहाजा ये मैकेनिकल डाइजेशन में मदद देने के लिए पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है। लेकिन एक बात याद रखें जो मैंने पिछले लेक्चर में सिर्फ पेरिस्टाल्टिक के बारे में बताया था लेकिन एंटी पेरिस्टाल्टिक के बारे में नहीं बताया था। अब देखिए जब ये पेरिस्टाल्टिक जीआईटी में कंटिन्यू है फूड को जो है मूव करवा रहे हैं तो फूड एक जगह पे नहीं रुकेगा, फूड चलता रहेगा अपने अपने स्पेशलाइज रीजन में और वहां स्पेशलाइज जो है फंक्शन परफॉर्म होता रहेगा। लेकिन एंटी पेरिस्टाल्टिक का क्या मतलब है, उसका मतलब है कि जब हम कोई कंटामिनेटेड फूड या कोई ऐसा ड्रिंक लेते हैं जो कि कंटामिनेटेड जिसमें कोई पैथोजन है कोई एलर्जन है पॉइजन है या कोई ऐसी चीज है तो वो जब हमारे स्टमक में जाती है तो स्टमक हमारा इरिटेट होता है, उसमें इरिटेशन होती है या कभी कभार हम ओवर ईटिंग कर देते हैं या हैबिट ऑफ ओवर ईटिंग होती है, उससे क्या है कि हमारा स्टमक जो है वो डिस्टेंसिबल है डिस्टेंस हो जाता है।
जब ये डिस्टेंशन या एक्सपेंशन होता है स्टमक का, तो होता ये है कि हमारा बॉडी के जो एब्डोमिनल मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसकी वजह से हमारे जो स्टमक है वो स्क्वीज होता है, और उसके जो स्टमक कंटेंट है या जो गैस्ट्रिक कंटेंट्स है या जो हमारा फूड है वो कर्ड की शक्ल में, जिसको आप कायम कह रहे थे, उसको वो क्या होगा कि ये उस प्रेशर की वजह से, स्क्वीजिंग की वजह से जो कार्डियक स्फिंक्टर कंट्रोल कर रहा था वो जो है रिलैक्स हो जाएगा, और वो रिलैक्स हो जाएगा और ये कंटेंट जो है बाहर जो है एक्सपेल आउट होंगे, और ये एक्सपेल आउट होंगे थ्रू ईसोफेगस, लेकिन जो बाहर कंटेंट निकल रहे हैं थ्रू ईसोफेगस उसको हम नाम देते हैं वोमिटिंग।